जाता है कि फन से बड़ा फनकार होता है। ये बात जीन डेज पर एकदम परफेक्ट है। जीन डेज कौन था ये बताएंगे आज के इस स्पेशल बुलेटिन में। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर टॉम एंड जेरी कार्टून्स को हमारे बचपन से निकाल दिया जाता तो हमारा बचपन कितना फीका और बेरंग हो जाता, क्योंकि ये कार्टून्स ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी यकसा मकबूल हैं। जीन डेज इन्हीं लाजवाल कार्टून्स के क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर थे, जो 16 अप्रैल 2020 को 95 वर्ष की उम्र में अपने अपार्टमेंट पराग में इस जहां फानी से कूच कर गए। 18 अप्रैल को उन्हीं के एक करीबी दोस्त ने डेली मेल के जरिए उनके खबर की तस्दीक की। 8 अगस्त 1924 में अमेरिका में पैदा होने वाला ये शख्स मारूफ कार्टूनिस्ट था। हॉलीवुड में मशहूर है कि अगर किसी भी डायरेक्टर के नाम के साथ ऑस्कर अवार्ड का नाम जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उन्होंने अपनी जहनी सलाहियतों के बलबूते पर कार्टून्स की दुनिया में ऐसा इनकलाब पैदा किया जो अपनी मिसाल आप है। अगर इन्हें बाबा एनिमेटर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने पोपाय द सेलर मैन कार्टून्स बनाकर मेला लूट लिया, मानो के बच्चों के दिल ही जीत लिए। पोपाय द सेलर मैन एंड टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून अपने अपने वक्त के शाहकार हैं। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स में भी इनका अहम मुकाम है। इनकी मशहूर शॉर्ट फिल्म मोनरो के लिए इन्हें 1960 की दहाई में अकेडमिक अवार्ड दिया गया। टॉम ट्रैफिक और सिडनी सीरीज के लिए इनको नामजद किया गया। जीन डेज ने 1943 में मैरी से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। ये एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ साथ एक कमाल के तख्लीकार भी थे, जिन्होंने बच्चों और बड़ों सबका दिल जीता, सबके चेहरों पे मुस्कान बिखेरी और अपने काम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जीना सरफराज, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।